न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सपा जिला अध्यक्ष ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी से किया शिकायत, कहा नामांकन कक्ष में 5 से अधिक लोग हुए थे शामिल, जबकि गोरखपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुए फुटेज के कारण आरोप का यह तीर चल गया हवा में। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे दिन सकुशल संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया। गोरखपुर सदर लोकसभा से 4 और पास गांव से 1 प्रत्याशी ने किया नामांकन, रिटर्निंग ऑफिसर ने दी जानकारी। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन नामांकन से पहले पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ के दरबार में किया विधिवत पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने की नई पहल, अब 3 लाख रसोई गैस सिलेंडर के माध्यम से मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। बासगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान ने किया नामांकन पत्र दाखिल, कहा बासगांव में रेलवे लाइन है उनकी लाइफ लाइन में। लोकसभा चुनाव के लिए 27 और 28 को नहीं हो सकेगा नामांकन, जिलाधिकारी ने बताया 27 को चौथा शनिवार और 28 को रविवार के कारण नहीं हो सकेगा नामांकन। फिल्म अभिनेता से नेता बने भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने किया नामांकन दाखिल, कहा भाजपा यूपी में 74 सीटों पर जीत करेगी हासिल। राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले 3 शातिर लुटेरों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 मोबाइल सेट, 1 बाइक और 1 स्कूटी किया बरामद। गोरखपुर लोकसभा सीट के व्यय प्रेक्षक सुरेंद्र पाल ने एसएसटी एवं अन्य सर्विलांस टीमों के प्रभारियों के साथ की बैठक, प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे का 64वां रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न, 118 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। गोरखपुर सदर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रवि किशन नामांकन से पहले आयोजित जनसभा में पहुंचे, जनसभा में लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। अंबेडकर चौराहे पर बोलेरो चालक ने की पुलिस वाले से अभद्रता, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। और छोटी पार्टियों सहित निर्दल प्रत्याशी भी लोकसभा चुनाव में आजमा रहे किस्मत, कोई सादगी से तो कोई ढोल नगाड़े के साथ जीत की दावेदारी के साथ कर रहा नामांकन।